हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और वहाँ हमने डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल करे। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी और आपको न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई होगी, ठीक है ना। तो आज हम उसी ऑर्डर में एक बहुत आसान सा और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेडिंग लगा लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? भाई होता क्या है कि जब किसी मेटल पर हम क्या करते हैं बताओ, एक मेटल पर जब हम कोई रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं या कोई लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होता है तो उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो जरा एक बार इसको डिटेल में पढ़ते हैं, उसके लिए एक फिगर बना लेते हैं पहले, ठीक है। कैसे, यहीं पर बनाते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हमारे पास कोई एक ये मेटल है और हमने उसको इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट करा। कैसे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बैटरी का, ठीक है ना। तो अगर हम इसको क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे, नेगेटिव है तो कैथोड, और इसे क्या बोलेंगे हम, एनोड। बताओ बात समझ आ रही है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं बताओ, देखो हमने कोई भी एक लाइट इस मेटल पर क्या करी बताओ, इंसिडेंट करी, और जैसे ये लाइट इस पर इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट लाइट में ई आई लिख देता हूँ, इसकी कुछ अपनी एनर्जी भी होगी, और जैसी एनर्जी होगी वो लाइट इस मेटल पर इंजेक्ट होगी, जैसी लाइट वो इस मेटल पर इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा, क्लियर। और वो इलेक्ट्रॉन के पास अपनी कुछ एनर्जी होगी, और वो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उससे वो रिमूव करता हुआ कैथोड से कहाँ चला जाएगा बताओ, एनोड की तरफ, ठीक है ना। और एनोड की तरफ जब चलेगा तो सर्किट में बताओ क्या फ्लो होने लगेगी, एक करंट, क्या फ्लो होने लगेगी, एक करंट, और तब इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो क्या बोलते हैं, वो सीधी बोलते हैं कि भाई मेटल पे क्या हुआ, कोई रेडिएशन इंसिडेंट हुई और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हुआ, और इस फेनोमेना को उन्होंने क्या बोल दिया बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये रॉन्ग है, ध्यान से सुनो, जब कोई इंसिडेंट लाइट मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट होता है, और वो इलेक्ट्रॉन मूव करके बताओ कहाँ पहुँचना चाहिए, एनोड पर, और तब सर्किट में क्या फ्लो होनी चाहिए, करेंट, तब इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात नंबर एक। बात नंबर दो, बताओ यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और जो करंट, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी बताओ, उसको क्या बोलते हैं हम, फोटो करंट। बात समझते जाओ, ठीक है ना। अच्छा, और ये मेटल कैसी होनी चाहिए हमारी बताओ, ये मेटल हमारी होनी चाहिए फोटो सेंसिटिव मेटल, कैसी होनी चाहिए, ये फोटो फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव मेटल। फोटो सेंसिटिव मेटल कैसी होती है, जरा ध्यान से सुनो भाई, फोटो सेंसिटिव मेटल वो होती हैं कि जिन पर हम क्या करें बताओ, अगर बोलें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसका लो हो, ठीक है ना। बट स्टिल अभी आप लोगों ने बताओ पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ा नहीं है, इसलिए अभी आयनाइजेशन पोटेंशियल को आप ब्रीफली नहीं समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है, आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, तो आपको बात समझ में आ रही होगी। बताओ आयनाइजेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, कि किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो इन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल पर अगर समझो तो हम बोल सकते हैं कि फोटो सेंसिटिव मेटल वो होती हैं जिनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो, कम हो, ठीक है ना। अगर आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको अभी आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से समझो कि वो मेटल
कि जिनसे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी का अमाउंट क्या चाहिए हमें, कम, तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, फोटोसेंसिटिव मेटल। क्लियर? चलो, तो अब हम लोगों ने इस चीज को तो समझ ही लिया है कि क्या क्या होता है। ये इंसिडेंट लाइट है, ये कैथोड, ये एनोड। जब लाइट इजेक्ट होती है, सॉरी इजेक्ट नहीं, इंसिडेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताओ, इजेक्ट होता है, और वो इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करके एनोड की साइड जाते हैं तो सर्किट में एक करंट फ्लो होती है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं बताओ, फोटो करंट। ठीक? और इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बताओ बात समझ में आ रही है? चल, तो एक बार आपको मैं इसके नोट्स भी दे देता हूँ, तो थ्योरी लिख देते हैं क्या होगा, जरा ध्यान से समझो कि when a light is incident, on certain metal, then बताओ क्या होगा, electrons are ejected। थोड़े साफ से लिखो, बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर क्या होंगे बताओ, इजेक्टेड लिखो, इजेक्टेड आउट। ठीक है? चलो, व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन, स्पेस है अभी, व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स moves between cathode and anode, बताओ वो इलेक्ट्रॉन बताओ कैथोड से एनोड की ओर क्या कर रहा था बताओ, मूव कर रहा था, देन करंट फ्लो बिटवीन बताओ, करंट फ्लो बताओ क्या होगी, देन करंट फ्लो कैथोड एंड एनोड, देन द करंट फ्लो इन द सर्किट लिख दो, है ना? क्लियर? बताओ करंट क्या होगी बताओ, तब फ्लो होगी, तब इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना? फ्लो इन करंट आर कॉल्ड क्या बोलेंगे बताओ, फोटो करंट, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बताओ बात समझ में आ रही है? तो एक बार आप इसको कॉपी करिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक से। हाँ, आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है? तो इस बार मैं थ्योरी को रफ कर लेता हूँ। ठीक है? चल, देखिए अब कुछ टर्म्स को भी हम जानेंगे और एक टर्म पढ़ेंगे जिसका मीनिंग है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट। ठीक है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं? देखो ध्यान से सुनो, बताओ जो इंसिडेंट लाइट आ रही थी, बताओ जब लाइट होगी तो लाइट वेव के फॉर्म में होगी, और वेव के फॉर्म में होगी तो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, बताओ, और फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी अपनी कुछ एनर्जी भी होगी। बात क्लियर है ना? चल, तो क्या होगा जरा ध्यान से समझो कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, बताओ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच आर इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, मतलब उस इंसिडेंट लाइट की कम से कम फ्रीक्वेंसी जो इस मेटल से बताओ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, इजेक्ट कर दे, तो बताओ तब उस इंसिडेंट लाइट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बताओ क्या होगी डेफिनेशन, कि द मिनिमम
बताओ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट टू इजेक्ट बताओ क्या टू इजेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल थोड़ा यार थोड़ा नीचे करके लिखें बताओ क्या लिखा है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन आउट द सरफेस ऑफ मेटल बताओ बस समझ मारिए कि वो इंसिडेंट लाइट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो मेटल की सरफेस से क्या करे बताओ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करे तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो बताओ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वैसे होता क्या है म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा बताओ होता है या नहीं तो बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है म्यू नॉट तो बताओ लैम्डा को भी क्या लिखोगे बताओ भाई लैम्डा नॉट तो अब जरा यहां ध्यान से सुनो बताओ इसको क्या बोलोगे आप थ्रेशोल्ड जगह कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ और बताओ इसको क्या बोलोगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो बस अब आपके लिए एक टॉपिक और नया आ गया कि भाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसे कहते हैं एक बार हम उसको भी डिस्कस करेंगे एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए चल ठीक है ना रफ कर रहा हूँ मैं ये तो आपने फिगर बना ही लिया होगा थोड़ा और ऊपर से कर लेंगे लड़ा लिखने में प्रॉब्लम आती है झुकना पड़ता है तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ टॉपिक क्या ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में टर्म्स हैं है ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अब क्या पढ़ेंगे हम बताओ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा अब मुझे एक बात बताइए अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या पढ़ा था बताओ म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा तो हम पढ़ रहे थे म्यू म्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी हम फ्रीक्वेंसी को बोल रहे थे भाई मिनिमम होनी चाहिए बताओ फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा मैक्सिमम होगा अरे भाई देखो भाई न्यू इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा तो क्या मतलब है कि न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा क्योंकि सी तो कॉन्स्टेंट है तो इट मीन्स अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ कम होगी हाँ या ना तो अब हम अभी बात करे थे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं तो हमने बात करी थी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच आर इजेक्टेड टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटलिक सरफेस तो अगर फ्रीक्वेंसी हमें मिनिमम चाहिए तो वेवलेंथ क्या होगी बताओ मैक्सिमम तो बताओ फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट विच आर इजेक्ट टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बात समझ में रही है तो अगर इस इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए मैक्सिमम मतलब वो ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ जो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या करे बताओ इजेक्ट करे तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे क्या लिखेंगे द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज रिक्वायर्ड विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन बताओ आउट
द सरफेस ऑफ मेटल, बताओ वह समझ आ रही है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं, बताओ कैसे करते हैं, लेमडा नॉट, बताओ वह समझ आ रही है आप लोगों के। चलो अब इसी ऑर्डर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, वर्क फंक्शन, क्या पढ़ेंगे हम, वर्क फंक्शन, उसको हम यहां ले लेते हैं, ठीक है। और हम इसको जो रिप्रेजेंटेड करते हैं वो W या फाइव, ठीक है। चलो तो क्या होता है वर्क फंक्शन, देखिए हमने बात इंसिडेंट लाइट की किस टर्म में पढ़ ली, बताओ बताओ फ्रीक्वेंसी के टर्म में पढ़ ली, और हमने किस में पढ़ लिया बताओ, वेवलेंथ। अब हम बात करेंगे एनर्जी के टर्म में, तो क्या होता है जरा एक बार इसको भी देख लीजिए, क्या मतलब है, हाँ तो अब बात करेंगे हम वर्क फंक्शन, क्या होता है वर्क फंक्शन उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए अभी अब तक हमने क्या बात करी है बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ। बट आज हम बात करेंगे कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, तो जब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी के बारे में बात करेंगे तब हम उस टर्म को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो क्या डेफिनेशन है कि भाई जो इंसिडेंट लाइट है उसकी मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे बताओ, इजेक्ट कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं बताओ, वर्क फंक्शन, या उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं बताओ, वर्क फंक्शन। तो जरा इसको भी एक बार डिफाइन कर लेते हैं, द मिनिमम एनर्जी ऑफ, द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज रिक्वायर्ड टू, बताओ विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, बताओ क्लियर है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सोच समझ के बताना भाई, मैं एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, फाइव से या डब्ल्यू से कर सकते हैं भाई, ये एनर्जी तो है, और एनर्जी क्या होता है, ई स्क्वल टू एच न्यू, अरे मैं इसको ई ना बोल के अब फाइव बोल रहा हूँ, कुल मिला के है तो ये ई भाई, क्यों ई भाई, वर्क फंक्शन क्या है वो हमने कंडीशन लगा दी है कि भाई इसकी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, किस बात के लिए, कि इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, इजेक्ट कर दे, ओवरऑल है तो वो एनर्जी ना, तो है तो वो एनर्जी, और एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, ई स्क्वल टू एच न्यू, इट मीन्स फाई स्क्वल टू वी क्या होगा बताओ, एच न्यू। बट अब एक कंडीशन और हो गई यहाँ पे, बताओ यहाँ न्यू को मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज म्यू नॉट, क्लियर। चलो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, तो डेट ए एस सी अपॉन लेमडा, बट मुझे लेमडा कौन सा लेना पड़ेगा बताओ, थ्रेशोल्ड वेव लेंथ। तो बस इस तरीके से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कभी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेव लेंथ या एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स एक बात और आपको समझ में आनी चाहिए भाई, यहाँ एक बात और, हर मेटल का बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनना, हर मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो डिफरेंट हो सकता है, क्यों, कि भाई जिस मेटल में बताओ इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होंगे मेटलिक बॉन्डिंग से, उसके लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, कुछ मेटल में ऐसा भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूजली पैक्ड हों, तो उनको कम एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं बताओ, इजेक्ट कर सकते हैं। तो सेंस जो वर्क फंक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए क्या हो सकता है बताओ, अलग अलग हो सकता है, या ऐसे कहें कि वर्क फंक्शन एक करैक्टरिस्टिक है मेटल की, जो हर मेटल के लिए क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ रहे होंगे कि वर्क फंक्शन एक फिक्स क्वांटिटी है, जबकि ऐसा नहीं है।
तो लिख सकते हैं, नोट करके लिख लो यहां कि वर्क फंक्शन इज द करैक्टरिस्टिक वर्क फंक्शन इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ मेटल डेट इज डिफरेंट डेट इज डिफरेंट मेटल विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। क्लियर? एक बार अब इसको अच्छी तरीके से कॉपी करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आओ नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हेडिंग लगा लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है वो इस इक्वेशन से ही बनता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को समझने से पहले एक बार हम दोबारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे, ठीक है? बताओ भाई ये कैथोड था हमारा, चलो लिख देते हैं, और ये क्या था हमारा एनोड। बताओ हुआ क्या कि जब हम इंसिडेंट लाइट, जिसकी एनर्जी हम क्या मान रहे हैं ई, बताओ मेटल की सरफेस पर जब इंसिडेंट होती है तो बताओ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन बताओ कहाँ पहुँचना चाहिए, एनोड पर, और एनोड पर जब पहुँचता है तो सर्किट में करंट फ्लो होती है, और उस करंट को हम क्या बोलते हैं बताओ, फोटो करंट, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चलो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो इंसिडेंट लाइट की, जो इंसिडेंट लाइट है उस लाइट की जो एनर्जी है वो कहाँ कहाँ कंज्यूम हुई, बताओ जरा सोचो। ठीक, देखो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो इस बात में कंज्यूम हुई कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में, बताओ बात समझ में आती है भाई। यहाँ मेटल में इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है नहीं कि फ्रीली बैठा होगा भाई, वहाँ भी मेटलिक बॉन्डिंग होगी, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन ऐसा कौन सी ना, हाँ भाई लो ले जाओ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कौन सी नहीं होता है। मेटल की सरफेस पे जब एनर्जी इंसिडेंट होगी तो कुछ एनर्जी वो मेटल क्या करेगी, कंज्यूम करेगी, क्यों कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में, बात नंबर एक। अब जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है पहला तो चला गया मेटल को इजेक्ट कराने में, मेटल खा गया होगी कुछ एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसको कुछ एनर्जी यहाँ सप्लाई हो गई होगी, किस बात के लिए कि वो मेटल यहाँ से यहाँ पहुँचे, बताओ। अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इतनी हो कि उसको बस इतनी हो कि भाई मेटल की सरफेस पे गई और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दिया, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर यहीं पे गिर पड़ा और वो यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके बताओ कहाँ पहुँचे, एनोड की तरफ। तो सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसिडेंट जो लाइट है उसकी एनर्जी दो जगह कंज्यूम हो जाती है, फर्स्टली उस मेटल को इजेक्ट कराने में, सेकेंडली इस इलेक्ट्रॉन को एनोड तक मूव कराने में, बस समझ में आती है। तो बस यही बात मैं लिखने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सोचना कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज यूज्ड इन, बताओ कहां कहां होती है, फर्स्टली तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल
इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन। बताओ पढ़ रखा है हमने कि पहला तो भाई वर्क फंक्शन किसे कहते हैं, द मिनिमम एनर्जी विच आर इजेक्ट टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटलिक सरफेस। तो पहला तो इसकी एनर्जी बताओ कहां चली गई, मेटल को, मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में। सेकेंडली जो बची हुई एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को मिल गई किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, कि वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचे। तो सेकेंड बताओ कहां चली गई, टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स, टू मूव द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बताओ, तो बस अब मुझे एक बात बताओ, जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है मैं उसको लिख रहा हूं ई आई, ना कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो वो बताओ ये एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए, फर्स्टली तो वर्क फंक्शन और सेकंड काइनेटिक एनर्जी। तो बस यही हमारी इक्वेशन बन गई कि ई आई इजकल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखिए कि जो एनर्जी है वो दो जगह चली गई, कहाँ कहाँ, एक तो इसका जो वर्क फंक्शन होगा उसमें, एक तो जो इस मेटल का वर्क फंक्शन होगा उसके बराबर, क्योंकि हर मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है, अपनी एक एनर्जी होती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में, और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पहुंचेगा तो उसके लिए कुछ काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बची एनर्जी वो कहाँ चली जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। बताओ बात समझ में आती है। चलो तो बस यही आपकी इक्वेशन है और इसी फॉर्म में आपको याद करना है। अब देखो बुक्स में डिफरेंट टाइप्स की न्यूमेरिक ये इक्वेशन दे रखी हैं, एक दूसरे कलर का चौक ले लेता हूँ। किस किस कलर की देखिए, किस किस कलर नहीं सॉरी किस किस टाइप से दे रखी हैं आपको पता चल जाएगा। वही ई स्क्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो देखो इसका सेकंड फॉर्म क्या बन सकता है, एच न्यू, है ना। तो न्यू की जगह मैं आई लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इजकल टू, बताओ फाई इजकल टू क्या होती है, वर्क फंक्शन, डेट इज ये भी एनर्जी होती है, और एनर्जी होती है तो इसको हम लिख देंगे ई इजकल टू एच, और इसको लिखेंगे न्यू नॉट, क्योंकि वर्क फंक्शन की डेफिनेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच आर इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। तो जब मिनिमम एनर्जी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक, नेक्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो एक फॉर्म ये भी मिल जाती है आपको। कभी कभी क्या होता है बताओ, इस काइनेटिक एनर्जी को भी वो ब्रेक कर देता है, कैसे लिख देगा, म्यू एच आई वो सॉरी एच एल म्यू नाई एच म्यू नॉट हाफ एम बी स्क्वायर, तो एम ई हो जाएगा ये, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिख सकते हैं हम इसको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वो वेलोसिटी आपको देगा। तो डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल आपको एक यही फॉर्म याद करनी है, ई आई इजकल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब जो भी वैल्यू आप देगी उसको आप ब्रेक कर सकते हैं और इक्वेशन को डिफरेंट टाइप्स की लिख सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, तो एक बार आप इसको कॉपी करिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। चलो कॉपी कर लिया होगा, इसको रफ कर लेते हैं। देखिए अब बात करेंगे वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जहाँ फोटो इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है क्योंकि इस पर भी एक आपको न्यूमेरिकल मिलने के पूरे चांस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस इक्वेशन से अभी हमने जो पढ़ी है थोड़ी देर पहले, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल आपको 100% मिलेगा। अगर लास्ट ईयर अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन हमको मिला है। देखो कैसे, हेडिंग डालेंगे कि कंडीशन टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
बताओ। अब जरा मैं यहाँ पे तीन कंडीशन लिखूंगा और बारी बारी मैं आपसे ही पूछूंगा, ठीक है ना। फर्स्ट, इफ ईआई इज लेसर देन वर्क फंक्शन, या और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि म्यू आई इज लेसर देन म्यू नॉट। बताओ अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाए, बहुत ध्यान से समझना, अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाए तो क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? बताओ। बिल्कुल बात सही, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरा समझो आप, फिर एक हल्का सा फोटो बना लेते हैं। फोटो ही है ना भैया, एक गाना भी तो था वो, फोटो खींच मेरी, कैसे क्या है वो। चलो, अगर ई आई इंसिडेंट लाइट है, क्लियर। अब इंसिडेंट लाइट सपोज करो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है और इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। भाई हर मेटल का, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हर मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, कोई एक फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ वर्क फंक्शन का मतलब क्या है? अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब है कि अगर इस मेटल की सरफेस पर कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आए तब वो भैया इलेक्ट्रॉन निकले, और हमारे पास है कितनी बेचारी गरीब 2.5, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा? अरे बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता, बताओ। तो ऐसी कंडीशन पर ना तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं होगा तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ये तो हटा दो, बेकार की चीज़ है। और हाँ, अगर बात करें फ्रीक्वेंसी, तो भाई एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, या एनर्जी के टर्म में बात कर लो या फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात कर लो। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ऑब्वियसली एनर्जी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी क्या होगी बताओ, ज़्यादा होगी। तो बात समझ में आ रही है ना, या एनर्जी का हो या फ्रीक्वेंसी का हो, बात एक ही है, क्योंकि एक दूसरे के दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख सकते हैं क्या होगा ऐसी कंडीशन पे बताओ, नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, और जब इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं होगा सो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बताओ। चलो बहुत अच्छी बात। सेकंड, बताओ अगर मैं बात करूं कि इंसिडेंट लाइट हमारी वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाए, या इस तरीके से बात कर लें बताओ कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू आई इक्वल टू म्यू नॉट के इक्वल हो जाए, तब क्या होगा? इसको भी समझो जरा यहीं पर ही, जरा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो इसका वर्क फंक्शन क्या है बताओ भाई, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आपने जो एनर्जी इंसिडेंट लाइट की दी वो भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दी, बताओ अब क्या होगा? जैसी 5 इलेक्ट्रॉन की गई तो क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो गया, बड़ी कयामत वाली कंडीशन हो गई, इलेक्ट्रॉन आपने मेटल से इजेक्ट तो कर दिया, निकल के धाम जैसी ना गिर गया यहीं पे रस्ते में, एल विकलांग हो गया ये, क्यों? क्योंकि अब इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है जो कैथोड से एनोड की तरफ क्या कर जाए बताओ भाई, मूव कर जाए, क्यों? क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट थी उस पर केवल इतनी एनर्जी है कि वो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है बताओ, इजेक्ट कर सकती है, बट उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि उसको वो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी दे सके। तो यहां क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हुआ बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ। देखो यही आप लोग गलत बोलते थे ना डेफिनेशन, आप लोग जनरली क्या बोलते हैं कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने के प्रोसेस को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अगर ऐसा होता तो यहां हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हुआ बट वो एनोड की साइड नहीं पहुंच पा रहा और कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, इसलिए यहाँ कोई फोटो इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको भी मैं रख कर लेता हूँ। तो क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विल बी
इज अ इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड बट नो मूव फ्रॉम बताओ एनोड सो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताओ क्लियर। थर्ड कंडीशन क्या होगी बताओ, अगर इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, अगर इंसिडेंट लाइट वर्क फंक्शन से क्या है ज्यादा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, बताओ कैसे, थ्रीफोल्ड फ्रीक्वेंसी से। भाई अब तो बस बनी गई बात हमारी, अब तो आप समझ ही चुके होंगे, अब क्या कहना चाह रहा है वो जरा ध्यान से समझ लो। क्या भाई मान लो इसका वर्क फंक्शन तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काय का मेटल का, और इंसिडेंट लाइट हमारे पास जो है और उसकी एनर्जी हो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा, 5 तो इसको निकालने में और 5 इसको काइनेटिक एनर्जी देने में, बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस होने वाली है भैया, बहुत झमाझम होने वाला है परफॉर्मेंस, और यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़ा धूमधाम से बनेगा, ठीक है ना, चलो खुशियाँ मनाओ। तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला है, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन निकल भी जाएगा और उसको काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बताओ, कि इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड ठीक है ना, एंड विल बी, नहीं ऐसे लिखो, विल नहीं लिखो, एंड विल मूव ऑल्सो ठीक है, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डन या ऑब्जर्व, ठीक है चल। तो आपको आई होप समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना, और समझ में आ चुका होगा तो आप अच्छे तरीके से इसको डील भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको कॉपी करिए, इस पर हम एक या दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, मुझे पता है आप बोर हो चुके हो, लेक्चर लंबा हो चुका है, बट स्टिल हम इस पर एक दो न्यूमेरिकल करके लेक्चर को रुकेंगे, कॉपी करो एक बार आप। अब बात करते हैं एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर भी, क्वेश्चन क्या है देखो, कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसकी हमने क्या बात करनी है बताओ, क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी। व्हेन येलो लाइट, देखिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बोला था कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हेन येलो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब सॉरी जो येलो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है ना, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल, कौन सा दे रखा है, पोटेशियम मेटल पर क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम दिस है क्या, जैसे मान के चलो ये हमारे पास कोई एक पोटेशियम मेटल है, ठीक है ना, उस पर एक रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है एनर्जी, और येलो लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है न्यू स्कल टू 5.2 × 10^14 सेकेंड इनवर्स, चलो बहुत अच्छा, और आपको इस मेटल का थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको पता है कितना, कि 5 × 10^14 चलो एक बार तो यहीं से आप चेक कर लो, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है देन मेटल की कैसे थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी से, इट मीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। अब ये कहना चाह रहा है जैसे ही ये इस पर इजेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताओ, सॉरी जैसे ही ये लाइट इस पर इंसिडेंट होगी मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा, तो इजेक्ट होगा तो इसकी कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्यों होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है ज़्यादा है, तो कुछ उसको काइनेटिक एनर्जी भी सप्लाई कराएगा, मतलब ये एनर्जी इसको निकालने में प्लस काइनेटिक एनर्जी देने में खर्च हो जाएगी, तो वो कह रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे बता दो,
आपको कुछ नहीं करना, केवल फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको आना चाहिए। और बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने अभी पढ़ी है कि ई आई इजकल टू, बताओ क्या होता है, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। पढ़ी आप लोगों ने, बहुत अच्छा। अब बताओ मुझे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी इजकल टू हो जाएगा ई आई माइनस फाई। बताओ होगा या नहीं होगा, बताओ ई आई इजकल टू क्या होता है, ई इजकल टू एच न्यू, डेट इज एच न्यू। और फाई क्या होता है, वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू नॉट। तो बताओ यहां से एच क्या आ गया आपके पास कॉमन, म्यू माइनस म्यू नॉट। एच की वैल्यू रख दो 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। बताओ म्यू की वैल्यू कितनी है, 5.2 इंटू 10 टू दी पावर 14 माइनस 5 इंटू 10 टू दी पावर 14। बताओ 10 टू दी पावर 14 भी कॉमन आ रहा है, तो ये क्या जाएगा 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 इंटू 10 टू दी पावर 14। बताओ कॉमन आ गया, और 5.2 में से 5 जाएगा तो मल्टीप्लाई 5.2 और रह जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है ना। चलो अब क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, ये पावर तो ऑब्वियसली माइनस 20 रह जाएगी, और 0.2 से जब इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 1.324 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20 जूल, ठीक है ना। तो देखिए इस पर एक मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिया है, बहुत आसान होते हैं, कोई टेंशन है ही नहीं इस पर, ठीक है ना। एक बार कॉपी करिए, बस दो और छोटी छोटी टर्म्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर, इस टॉपिक को हम बाइंड अप करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब है कि जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तब इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करें तब क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमको वो समझना है। तो देखिए इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा, फर्स्ट इंटेंसिटी क्या होता है और सेकंड फ्रीक्वेंसी से क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। चलो तो अगर हम सबसे पहले बात करें, जैसे मान लो ये मेटल है, ठीक, इस मेटल पर आपने इंसिडेंट लाइट क्या करी बताओ, इंसिडेंट करी, क्लियर। और हमने पहले सीखा है कुछ उसकी लाइट की एनर्जी मान लो ई आई है, ठीक। और हम पहले ही कह चुके हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एनर्जी किसके फॉर्म में चलती है बताओ, पैकेट्स के फॉर्म में या बंडल्स के फॉर्म में, और उन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं बताओ, फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, फोटॉन कहते हैं बताओ, या क्वांटा भी कहते हैं, बट एनर्जी के केस में हम उसको क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना, अगर मान लो इसके अंदर एक ही फोटोन है, केवल एक फोटोन है वन, तो ये एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, बात समझ में आ रहे हैं। अगर ये दो फोटोन इस पर इंसिडेंट होते हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे, यानी ईच फोटोन आर इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो चाहूँ तो मैं इस बात को लिख सकता हूँ कि लिख सकते द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन, फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन ओनली वन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। पहली बात तो आप ये समझो, ठीक है ना,
कि भाई जो इंसिडेंट लाइट का फोटोन है वो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, अगर 10 फोटोन इंसिडेंट होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। बताओ बात क्लियर है। सेकंड इंटेंसिटी कैसे कहते हैं, आई होप आपको पता होगा। इंटेंसिटी बोले तो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या मतलब है कि पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम मतलब एक मिनट में एक सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या एनर्जी है। मैं बहुत सिंपल ढंग से आपको बताऊं, जैसे सपोज करो हल्की बारिश हो रही है तो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो जगह जगह पड़ेंगे हल्के 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 हल्के। अब रेंडमली वो बारिश बहुत तेज़ होने लगी, बहुत तेज़, तो जो ड्रॉपलेट हैं जो जहाँ नहीं भी पड़ रहे थे वहाँ भी अब आने लगेंगे, क्योंकि वो बारिश बहुत कॉन्साइड हो जाएगी, बहुत घनी हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि बारिश की इंटेंसिटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? बारिश की इंटेंसिटी बढ़ गई, कुछ इस तरीके से। सपोज करो ये वन यूनिट एरिया है, वन सेंटीमीटर, वन मीटर इधर, वन मीटर इधर, ऐसे मान के चलो। अब बारिश पड़ रही है तो एक ड्रॉपलेट्स यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है ना। अब क्या हुआ, बारिश तेज होने लगी, तो बारिश जब बहुत तेज होगी तो जो बचा हुआ एरिया यहाँ भी ड्रॉपलेट्स आने लगेंगे इस तरीके से। तो अब क्या हुआ, ड्रॉपलेट्स जो वैकेंट स्पेस था वहाँ भी आने लगी, खूब ज़्यादा होने लगी। तो हम कहेंगे अब बारिश की इंटेंसिटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? इंटेंसिटी बढ़ गई। तो आपको दो टर्म्स आनी चाहिए कि इंटेंसिटी क्या है, बताओ। एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंसिडेंट टाइम में पर यूनिट एरिया में उसकी एनर्जी क्या है, ठीक है ना। चलो तो दो बातें अगर हमसे समझ में आ गई तो समझ लो हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। फर्स्ट कि भाई एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, और इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी क्या है कि जब पर यूनिट एरिया पे इंसिडेंट लाइट की एनर्जी क्या हो, इंक्रीज हो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक। चलो तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ, चाहे तो आप कॉपी कर लो। चलो क्लियर। अब हम इस टॉपिक को समझना चाहते हैं कि भाई एक्चुअली ये दो बातें आपको आनी चाहिए थी, मेन टॉपिक तो हमारा ये है कि वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। भाई मान के चलो मेरे पास कोई एक मेटल है, ये मेटल है, क्लियर, और इस मेटल का जो मेरा वर्क फंक्शन है वो ऐसे मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्लियर। अच्छा अब क्या हुआ, मैंने सबसे पहले यहाँ एक लाइट इंसिडेंट करी और इस इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी थी वो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। बताओ तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा। बताओ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या है, ऑलरेडी ज़्यादा है। तो बताओ इस 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन में चली गई, बताओ जाएगी नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। बची कितनी? 7। तो जो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वो इसकी क्या होगी, बताओ? काइनेटिक एनर्जी होगी। बताओ वास्तव में आ रही है नहीं? चलो जी बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, हमने ये देखा कि एनर्जी बढ़ी, या आप इसको इस टर्म में समझो तो और अच्छा हो जाएगा कि चलो छोड़ो इसी में रहने दो। अब हम दूसरी बात करें कि मैंने अब एक इंसिडेंट लाइट दोबारा फेंकी इस पर, अब उसकी मैंने एनर्जी कितनी रख दी, बताओ? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब बताओ 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन में जाएगा, तो बताओ यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, बताओ? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप समझ रहे हैं
कि जैसे जैसे एनर्जी घट रही है, जैसे जैसे एनर्जी घटेगी वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जा रही है, कम। या उसका उल्टा बोलो, चलो अब मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दूँ, तो 15 में से 2 इधर जाएगी तो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा। तो सेंस मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ, आपसे मेरी बात सुनूँ भाई, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, EI या EI लिखो या मत लिखो, E इक्वल टू एच न्यू। सेंस अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा तो एनर्जी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी घटाऊँगा तो एनर्जी घटेगी। तो यहाँ तो मैंने आपको एनर्जी के टर्म में समझा दिया। अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई यहाँ फ्रीक्वेंसी पहले 7 सेकेंड इनवर्स थी, फिर 9 इनवर्स थी, फिर 10 इनवर्स थी, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी बताओ वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी घटेगी तो बताओ क्या होगा, उसी ऑर्डर में एनर्जी क्या होगी बताओ, कम होगी। तो सेंस हम यहाँ देख चुके हैं कि जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे एनर्जी देखो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, बताओ यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है, या ऐसे बोल दो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होता है और एच क्या होता है, कॉन्स्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो सेंस मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो बताओ फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात समझ आ रही है, चलो तो बस यही बात मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो आप ये लिख दीजिए क्या कि ऑन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, ऑन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसीडेंट लाइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीजेस। बताओ सेकेंड एक बात और कहना चाह रहा हूं, बताओ क्या फोटो करंट पर कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब जरा इसको भी आप समझ लीजिए भाई। यहाँ पे देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर मैंने इंसिडेंट लाइट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डाली और इसका मान लो वर्क फंक्शन कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो इलेक्ट्रॉन भाई 5 में से 2 तो चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से आगे जाएगा। अब मान लो मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। अब मान लो वो एनर्जी सपोज करो कितनी हो गई इंसिडेंट लाइट की, 10, तो अब वो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, बिल्कुल नहीं बढ़े। अरे भाई जिस भी एनर्जी का आपने फोटोन इंसिडेंट करा उससे एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, हम पहले सीख चुके हैं कि एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, दो फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे, तो कुछ नहीं हुआ। आपने अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई बट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़े, और जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे तो करंट कॉन्स्टेंट रहेगी, करंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यही बात मैं लिखना चाह रहा हूं, विल इंक्रीज क्या लिखा हमने, ऑन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी द इंसिडेंट लाइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, ठीक है ना। चलो बट फोटो करंट, बट फोटो करंट विल कॉन्स्टेंट, बताओ बात समझ में आ रही है। अच्छा अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, जरा दूसरी बात भी समझ लो। एक बार आप कॉपी करना चाहो तो ऊपर का कॉपी कर लो, मैं रफ करूंगा। चल
पॉज लेके कॉपी कर रहा करो। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि इंटेंसिटी बढ़ेगी तब क्या होगा। चलो, अरे चौक गिर गया। अब इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे तब क्या होगा, मान लो आपके पास कोई ये मेटल है, उस मेटल का कुछ वर्क फंक्शन आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रखा है। क्लियर? इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। जहां भाई इंटेंसिटी बढ़ेगी नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे क्या मतलब है, सपोज करो आपके पास EI कोई एक इंसिडेंट लाइट थी और उसकी एनर्जी आपने सपोज करो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख रखी है, ठीक है ना। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ होगा और उसकी बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, बताओ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ या ना। अब आपने क्या करा कि अब इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई आपने, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, और जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी क्या होता है बताओ भाई, इंसिडेंट लाइट की पर यूनिट यहाँ पे एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर इंसिडेंट लाइट की जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इस मेटल की सरफेस पर आने वाले फोटॉन्स बढ़ेंगे, क्या होंगे बताओ, फोटॉन्स बढ़ेंगे। जहाँ पहले एक आ रहा था मान लो खूब सारे फोटॉन्स आ रहे हैं, जब खूब सारे फोटॉन्स आ रहे हैं तो बताओ हर फोटोन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, फोटो करंट क्या हो जाएगा बताओ, फोटो करंट क्या होगा बताओ, इंक्रीज होगा, हाँ। बट काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। बताओ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि देखो अब आने वाला हर फोटोन की जो एनर्जी होगी वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई है, हमने इंटेंसिटी बढ़ाई है। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए हैं, तो जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो वहाँ एनर्जी कौन सी ना बढ़ाई हमने, तो आने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, क्योंकि सब फोटॉन्स की इंसिडेंट, क्योंकि जितने भी फोटॉन्स होंगे उनकी सबकी एनर्जी क्या होगी, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उन सबकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक एग्जाम्पल ले रखा है, डेट इज उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ, कांस्टेंट होगी। तो सेकंड पॉइंट हम क्या लिखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन बट सेम फ्रीक्वेंसी, है ना। ध्यान रखना, जितने भी फोटॉन्स आएंगे उन सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम। तो फर्स्ट इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा कि बट काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट। बताओ बात समझ आ रही है, बट फोटो करंट क्या होगा बताओ, विल बी इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो बस अब मैंने यहां जाके पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने क्या कर लिया बताओ, कवर कर लिया। आई होप आपको ये सब समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो बस आज के लेक्चर को मैं यहीं पर रुकता हूँ। पूरी वीडियोस को देखिए, अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, और देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है वीडियो के अंदर मैं इतने न्यूमेरिकल्स कराऊँ, आप लोग न्यूमेरिकल्स करिए, और जहाँ भी प्रॉब्लम आए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसको आप सेंड कर दीजिए, मैं उस पर बिल्कुल आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।